नमस्कार साथियों, स्वागत है VinIS के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज का जो ये वीडियो है एक महत्वपूर्ण सूचना के लिए है, उन लोगों के लिए जो 2023 MPPSC राज्य सेवा परीक्षा को देना चाहते हैं और क्रैक भी करना चाहते हैं। क्योंकि अभी जो पैटर्न चल रहा है 87-13% का जो विभाजन होता है, इस पद्धति में बहुत मुश्किल हो गया है प्रीलिम्स क्लियर करना। और जब तक आप प्री क्लियर नहीं करेंगे, आप मेंस में चाहे जितने अच्छे हों किसी काम का नहीं है। और पिछले रिजल्ट्स को देखते हुए ये समझ में आया है कि कई लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी वो क्लियर नहीं कर पा रहे। अभी भी हम लोगों के पास लगभग 2.5 महीने से ज़्यादा का समय है, और अभी भी कोई सीरियसली अगर इस बात को लेकर के ठान ले कि नहीं, हमको सही ढंग से पढ़ना है, सही मार्गदर्शन में पढ़ना है, तो ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है, प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है, 80 प्लस स्कोर किया जा सकता है। 80 प्लस का मतलब 80 प्लस क्वेश्चन सही हो सकते हैं। कैसे होंगे इसको, इसी के लिए हम लोगों ने प्रीमियम बैच स्टार्ट किया है। मैं उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति, बेसिकली ये कोई कक्षाएँ नहीं है बल्कि एक तरह का मार्गदर्शन है, और आपसे जो गलतियाँ होती हैं उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए। आपके डेली की 4 से 5 घंटे की क्लासेस होंगी, है ना। और ये क्लासेस जो होंगी, क्योंकि MPPSC के जो कुछ टॉपर्स हैं अभी भी उनकी ज्वाइनिंग नहीं है, तो वो हमारे साथ हैं, तो हम उनके अनुभवों को सीख सकते हैं। देखिए, जो उन्होंने पिछले 4-5 सालों में सीखा है, अगर आप उनके सानिध्य में रहते हैं तो आप वो सब कुछ बहुत जल्दी 1 से 2 महीने में सीख सकते हैं, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो जो भी इस संस्थान से जुड़े हुए टॉपर्स रहे हैं 2000 PSC के, वो ये सहयोग दे रहे हैं आप लोगों के लिए। तो क्लासेस जो होंगी वो टॉपर्स के माध्यम से होंगी, वो आपको ये बता सकते हैं कि उनकी अप्रोच क्या थी, क्योंकि जितनी फैकल्टीज़ के बारे में आपको बताऊंगा, उनके बारे में ही बताऊंगा मैं। एक और ख़ास चीज़, बिना मेहनत के केवल क्लासेस करने से रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए हम लोगों ने लाइब्रेरी का प्रावधान किया है। लाइब्रेरी दिसंबर 2023 तक बिल्कुल निःशुल्क होगी। जो आप फीस पे करेंगे कोर्स का, उसमें लाइब्रेरी इंक्लूड होगी, और ये कंपलसरी है कि आप आकर के वहाँ पे पूरा टाइम बिताएंगे, कम से कम 6 घंटे लाइब्रेरी को देंगे, और वहाँ भी आपके पास मार्गदर्शन होगा टीचर्स का और टॉपर्स का। प्रारंभिक परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपके लिए निःशुल्क होगी, वो इसमें इंक्लूड है। आपकी क्लासेस की जो भी फीस होगी उसमें वो इंक्लूड है। टेस्ट सीरीज जो है वो टॉपर्स के मार्गदर्शन और उन्हीं के द्वारा डिज़ाइन की जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि वो लोग एकदम उन्हीं प्रश्नों को रखेंगे उसमें, जिससे कि उन्होंने देखा है कि इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो कुल मिला के अगर आप इन तीनों चीज़ों को हम लोग फॉलो करते हैं, एक तो सही गाइडेंस, सही क्या पढ़ना है सिलेबस में, किन चीज़ों को याद रखना है, हमारी जैसे कि हमारी क्लासेस अगर आप देख रहे हो यूट्यूब पे, तो उसमें भी आप देखते होंगे ये लोग अप्रोच आपको बताते हैं, कौन कौन से फैक्ट्स ज़रूरी होते हैं वो बताते हैं, है ना, कैसे एलिमिनेट करना है वो सारी चीज़ें। तो ये अगर आप करते हैं तो कोई दुविधा नहीं रह जाएगी, मुझे नहीं लगता है कि इतना खुद ब खुद कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपको लगेगा कि हम पेपर क्लियर कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि आपको कौन कौन से टीचर्स पढ़ाएंगे। देखिए, जहाँ तक टीचर्स की बात है तो राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था ये मेरे द्वारा ही लिया जाएगा, तो हम लोग इसको दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे, कंसेप्ट भी पढ़ेंगे जो प्रीलिम्स के हिसाब से ज़रूरी हैं, प्लस हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे हम प्रश्नों को हैंडल करें, और PYQs यानी प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं या उससे मिलते जुलते जो क्वेश्चंस हैं उन पे भी चर्चा करेंगे, उनको कैसे सॉल्व करें। उसके बाद निधि मिश्रा आप लोगों को विज्ञान एवं पर्यावरण पढ़ाएंगी, जो कि अभी क्लासेस ले रही हैं यूट्यूब पे, आप लोग देख रहे होंगे MCQs के माध्यम से PYQs को सॉल्व करते हुए उसमें क्या क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व हैं वो भी अभी सॉल्व करवा रही हैं। उनकी खुद की रैंक 11 थी 2020 में, और निधि के बारे में मैं बता दूँ आपको, 2019 से लेकर के उन्होंने जब भी जितने भी प्री हुए सारे क्लियर किए हैं, 19, 20, 21, 22,
ये अच्छी बात है कि 20 में उनका सिलेक्शन हो गया, डीसी बन गया, तो उनको अब दूसरे मेंस लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस बात से ये तो पता चलता है कि उनमें कुछ तो खास बात होगी कि उन्होंने सारे प्री कंटिन्यूसली क्लियर किए, उनकी अप्रोच सही होगी, पढ़ने का तरीका सही होगा। जब उन्होंने कम मेहनत की तब भी, अमित के साथ भी सेम है, इन्होंने सारे प्री क्लियर किए हैं 19, 20, 21, 22, 20 में उनका सिलेक्शन हो गया। तो समझ सकते हैं आपकी ये आपको सही मार्गदर्शन करने के लिए है। सत्यम के साथ भी सेम चीज़ है, यानी ये तीनों जो आपको मार्गदर्शन देने के लिए, वैसे तो टॉपर्स हैं, जनरली आप जानते हैं टॉपर्स का इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको मार्गदर्शन दे पाएँ, लेकिन यहाँ संस्थान से वो जुड़े हुए हैं और चाहते हैं कि उनके जो जूनियर्स हैं, जो लोग आएँ, वो सही डायरेक्शंस में जाएँ, इसलिए वो आपको मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हैं। तो आप उसका लाभ उठाइए, ना केवल ये प्रीलिम्स हैं बल्कि प्रीलिम्स के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये मेंस को कैसे हैंडल करेंगे ये भी आप अभी उनसे सीख सकते हैं। तो इस सुविधा का आप लाभ उठा सकते हैं, और यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो जो नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पे उन पे कॉन्टैक्ट करिए और आपको सारी डिटेल्स इसकी पता चल जाएगी। जो डेट हम लोगों ने डिसाइड की है वो है 25 सितंबर 2023। ये क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में होंगी, तो अगर आप दूर हैं कहीं पे, इंदौर में नहीं हैं, तो अभी आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। अगर किसी भी तरह की आपकी क्वेरी है तो इन नंबर्स पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।